एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्किन केयर हैक्स, ब्राइडल स्किन केयर हैक्स जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और गाइस, जो भी मैं हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हैं। जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपके स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचे, आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई लगे, अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। तो भाई, जिसकी जिसकी शादी होने वाली है वो सारे हैक्स को अगर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, बस आप एक महीना फॉलो कर लीजिए, देखिए आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई और बहुत ही शाइन करेगी आपकी शादी के टाइम पे। तो अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो भी आप जो है सुंदर कौन नहीं लगना चाहता, अच्छा कौन नहीं लगना चाहता, तो शादी के बाद भी आप अपनी स्किन केयर ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। शादी नहीं हुई है तो भी फॉलो कर सकते हैं, बट मेन जो है जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि जिनकी शादियां होने वाली है, जिनकी मैरिज होने वाली है, वो अपने स्किन की कैसे केयर करें जिससे वो शादी के बाद बहुत ही ग्लोई उनका स्किन लगे, बहुत ही ग्लोई लगे, उनकी स्किन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशल लगे। आई एम श्योर सबको अपनी शादी में, हर लड़की को बहुत ही खूबसूरत लगना होता है, बहुत ही स्पेशल लगना होता है। भाई मेरी शादी हो गई, स्किन मुझे बहुत लगता है कि मेरी स्किन बहुत ही ग्लो करे, फ्रेश रहे, अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, इसलिए मैं सारी चीजों को फॉलो करती रहती हूँ शादी के बाद भी, और जो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा देर नहीं करते, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन का बेल होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें अपने स्किन के साथ साथ हमें अपने स्किन में एल्बो, नीज, इसका भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी शादी होने वाली है और कुछ दिन बचे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है और ब्लैकहेड्स नहीं जा रहे हैं तो आपको लेमन में जो है चीनी डाल करके उसको रब करना 10 मिनट्स तक, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना, उसके बाद आपको अप्लाई करना है कोई सा भी मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन। बिना बॉडी लोशन अप्लाई किए आपको स्किन ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इससे आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है, कितनी स्मूथ लग रही है। इस तरीके से अगर आप डेली करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही क्लीन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हेयर केयर की। तो हेयर केयर के लिए अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है स्कैल्प, तो हमें क्या करना है, हमें जो है ये अनियन का जो है जूस निकाल लेना है। इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं अनियन को, अगर आप ग्रेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आपको उसको जूस निकाल लेना है ग्राइंड एंड ग्रेट करके। देन हमें इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, इसमें विटामिन ई होता है बजाज आलमंड ऑयल में, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा आपको विटामिन ई की कैप्सूल नहीं ऐड करनी पड़ेगी। तो इसकी हमें 1 टेबल स्पून डालना है आलमंड ऑयल, जो हमारा अनियन का रस है, जूस है इसके अंदर। देन यहाँ पे मैं अप्लाई ऐड कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल, और दोस्तों ये टी ट्री ऑयल डाइल्यूट करके ही यूज़ करते हैं, आप अपने स्किन पे या हेयर पे यूज़ करें, बट यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए अपने स्किन पे कि आपको कहीं जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। तो ये टी ट्री ऑयल के हमें सिर्फ एक बूंद लेनी है, बहुत ही थोड़ी सी, इसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है ऑयल को, और टी ट्री ऑयल को, आलमंड ऑयल एंड इसका जूस, इसके बाद हमें इसको अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों जो प्याज होता है वो प्याज हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों कभी कभी गाइस क्या होता है कि आपकी जो ब्रोज होती है उसकी ग्रोथ नहीं रहती है, बहुत जल्दी जल्दी आपके ब्रोज के जो हेयर होते हैं वो फॉल होते रहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टूथपिक लेना है, उसमें हमें आलमंड ऑयल जो है ऐड करना है, और उसके बाद हमें अपने ब्रोज के ऊपर डेली अप्लाई करना है गाइस, इससे बहुत जल्दी आपके जो आईब्रोज की होती है ग्रोथ वो बहुत ही अच्छे से होती है। इसके साथ ही साथ हमें अपने पलकों के भी, आई लैशेज को भी जो है ग्रो करना चाहिए। हम अपने ब्रोज के तो ग्रो कर लेते बट आई लैशेज पर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए भी हमें आलमंड ऑयल यूज़ करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो शादी से पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन आप घर पे ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वाओ का, वाओ साइंस का चारकोल एक्टिवेटेड पील ऑफ, और ये पील ऑफ गाइस सीरियसली बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपको जो है अपनी नोज़ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से एक साइड से स्किन पकड़ के जो है दूसरे साइड से निकालना है,
तो धीरे धीरे आपको पील ऑफ करना है, आपको बहुत जल्दी में नहीं करना, अदरवाइज आपकी स्किन पर जो ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो जो है सॉल्व नहीं होगी, मतलब कि ये जो पील करके नहीं निकालेगा आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स। चलिए अब दिखाते हैं कि कितना, मेरे को एक्चुअली व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की नहीं है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा व्हाइट हेड्स है मेरे नोज़ पे। तो इस तरीके से आप वीक में एक बार अपने नोज़ को पील ऑफ कर सकते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का जो है रिमूव कर सकते हैं चारकोल एक्टिवेटेड से, और आप देखिए कितनी स्मूथ एंड कितनी सॉफ्ट लग रही है मेरी नोज़। दोस्तों किसी किसी को अंडर आइज डार्क सर्कल होते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और शादी होने वाली होती है स्टिल, अब भाई ब्राइडल को डार्क सर्कल हो तो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो ब्राइड को डार्क सर्कल होना बिल्कुल भी कहते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि भाई ब्राइड है उसको तो खूबसूरत ही लगना चाहिए। तो क्या करना है आपको, डेली आप या तो बादाम रोगन ऑयल या तो फिर विटामिन ई की कैप्सूल डेली रात में लगाइए, ट्रस्ट मी गाइस आप ये कर लीजिए। आपको डार्क सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डार्क सर्कल है, आपको बादाम रोगन ऑयल या विटामिन ई की कैप्सूल डेली अप्लाई करनी है गाइस, आपकी जो है जो डार्क सर्कल वो चले जाएंगे। गाइस हमारी स्किन कभी कभी बहुत ही ऑयली होती है, बहुत ही चिपचिपी हो जाती है, कोई सा भी सीजन हो हमारी स्किन बहुत ही ऑयली और चिपचिपी होती है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पेयर सोप अप्लाई करिए अपने फेस पे। तो दोस्तों जो पेयर सोप होता है ये प्योर एंड जेंटल 98% प्योर ग्लिसरिन एंड नेचुरल ऑयल से बना होता है, 98% गाइस सीरियसली। तो देखिए कितना आपके लिए नेचुरल है ये सोप और कितना अच्छा है। अगर आपको टी पॉइंट पे आता है ऑयल या आपको पूरे फेस पे आता है ऑयल तो आप बेशक इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। शादी होने वाली है और हमें पिंपल की प्रॉब्लम होती है गाइस, सीरियसली ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना है हमें कोलगेट, और गाइस ये जो हमारा ये जो कोलगेट है ना ये बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब कोई सा भी वाइट टूथपेस्ट लेना है आपको, ब्लू या किसी और कलर का रेड कलर का टूथपेस्ट नहीं लेना, ओनली वाइट टूथपेस्ट लेना है, जहाँ जहाँ पे पिंपल है वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद रात में छोड़ दीजिए एज इट इज़, देन सुबह उठ के कॉटन की हेल्प से आपको जो है ये जो टूथपेस्ट लगाया था आपने रात में उसको जो है रिमूव करना है गाइस, आप इसको कुछ दिन कीजिए आपकी जो पिंपल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या करता है टूथपेस्ट हमारे जो पिंपल होते हैं उसको बहुत ही ड्राई कर देता है, इसकी वजह से वो ड्राई होकर निकल जाते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी स्किन पे बहुत ही क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन ला सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ब्लीच कैसे बनाते हैं घर पे। आपने बहुत सारे ब्लीच देखे होंगे मार्केट के, बट यहाँ पे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्लीच घर पे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च हमारी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है कॉर्न स्टार्च में। इसके बाद मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन को बहुत ही फेयर करता है, अच्छा करता है, सॉफ्ट बनाता है। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेमन, तो दोस्तों लेमन जो हमारी स्किन को ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ लेमन में 100% होती है, अगर आप घर पे ब्लीच करना चाहते हैं तो लेमन जरूर यूज़ कीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने लेमन लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई ऐड कर रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल, विटामिन ई की कैप्सूल हमें एक ही लेनी है, और विटामिन ई की कैप्सूल हमारे स्किन पे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को दूर करने में हेल्प करता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे टोमेटो, टोमेटो हमें थोड़ा छोटा सा एक पार्ट लेना है, उसको स्क्वीज कर लेना है, अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्क्वीज कर रही हूँ। स्क्वीज करने के बाद इसका इनफ एक निकल के आ जाता है पल्प, उसके बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना, और आप देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये ब्लीच बनकर तैयार हो गया, DIY ब्लीच, कैन यू बिलीव इट गाइस। लेमन है इसमें, टोमेटो है, विटामिन ई है इसमें, कॉर्न स्टार्च है, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जिससे आपको आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में जाते हैं ब्लीच लेने तो हो सकता है कि आपके स्किन पे ये वो सूट नहीं कर रहे, आपकी स्किन पे रैशेज हो जाएं, आपकी स्किन पे पिंपल हो जाए, बट ये DIY ब्लीच है दोस्तों, ये आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करेगा गाइस। तो इसको आपको अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे, अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट को छोड़ने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो दोस्तों ये आप अप्लाई जरूर करिएगा, 10 मिनट तक रख करके उसके बाद वॉश कर लीजिएगा, और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है सीरियसली गाइस, क्योंकि आप जो भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आप इसमें ऐड किए हैं वो सारी चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, लुक एट माई स्किन,
सीरियसली गाइज, आप अपने अपने आप को अगर आप पैम्पर करेंगे, लव करेंगे, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक बहुत ही ग्लो करेगी। इसके बाद आपको कोई सा भी अच्छा सा एक फेस पे क्रीम अप्लाई कर लेनी है, कोल्ड क्रीम टाइप से, जिससे आपकी जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने स्किन पे या बॉडी पे कुछ भी अप्लाई करने के बाद जो है आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, आपको थोड़ा सा ही ना बॉडी लोशन या फेस क्रीम अप्लाई करने के बाद ही जो है छोड़ना है। दोस्तों, हमारे लिप्स कभी कभी बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं हमारे लिप्स, तो गाइज ये प्रॉब्लम सबकी होती है, ऑलमोस्ट सबकी होती है। तो हमें क्या करना है, लेमन में शुगर डाल करके अपने लिप्स के ऊपर रब करने है। इससे क्या होगा कि लेमन में होता है विटामिन सी और शुगर में होती है जो आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है, स्क्रब करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको इस तरीके से स्क्रब करना है 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से। उसके बाद जो है धो देना है नॉर्मल वाटर से, आप अपने लिप्स को वॉश कर लीजिए। देन यहाँ पे आप निविया की, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ निविया का लिप बाम, तो आप कोई सा भी लिप बाम जो आपका फेवरेट वो अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिप्स बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। तो देखिए कितना डिफरेंस लग रहा है, कितना शाइन कर रहे हैं मेरे लिप्स, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से लगा। तो एक लाइक करेगा, शेयर करेगा और ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है वो सारी चीजों को जरूर फॉलो करिएगा, जिससे आपकी जो स्किन है, आपकी जो हेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, बहुत ही अच्छी लगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय।